सो गाइस, आज के वीडियो के मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से आप लोगों के लिए छोटा सा एडवाइस है कि अगर आप लोग टू फिंगर में खेलते हैं तो आप लोग ट्राई कीजिए कि आप लोग थ्री फिंगर में खेल पाए या फोर फिंगर में। इससे फ़ायदा होता है कि आप लोगों का स्किल जो है क्लोज कॉम्बैट में और भी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहली टिप्स यह है कि अगर आप लोग क्लोज रेंज में फाइट करें तो आप लोगों को यह ट्राई करना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा गोली उसकी हेड पर ही मारे। जैसे कि यहाँ पर मैंने उसकी हेड पर ज़्यादा से ज़्यादा गोली नहीं मार पाई, इसलिए उसने आसानी से मुझे बीट कर दिया। इस बार मैं उसे सिर्फ हेड पर ही मारूंगी, इसीलिए मैं उसको आसानी से बीट कर पाऊंगी। तो आप लोग देखिए, एक दो तीन, और तीन में ही मैंने उसको आसानी से बीट कर दिया। तो इसलिए आप लोग ट्राई कीजिए, जब भी आपके सामने या क्लोज रेंज में आपके एनिमी आए तो आप लोग ट्राई कीजिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा गोली उसकी सर पर ही मार पाए, जिससे कि आपकी डैमेज उससे ज़्यादा होगी और आप उसे आसानी से बीट कर पाएंगे। सो गाइस, अब हम नेक्स्ट टिप्स की ओर आते हैं। नेक्स्ट टिप्स यह है कि अगर आप लोगों को क्लोज रेंज में फाइट करना है तो आप लोग यह ध्यान रखें कि आपके लोगों की जो जॉयस्टिक है वो आप लोग कंटिन्यूसली लेफ्ट टू राइट करते रहे। इससे फ़ायदा होगा कि आप अगर आपके ऊपर एनिमी फायर भी करे तो आपकी डैमेज उतना नहीं होगी, तो आप उसको आसानी से बीट कर पाएंगे। तो अगर आप लोगों को क्लोज रेंज में एनिमी बीट करना है तो आप यह ध्यान रखिए, आप अगर एनिमी दिखे तो आप कंटिन्यूसली उसके ऊपर फायर करें और आप अपने जॉयस्टिक को लेफ्ट टू राइट कंटिन्यूसली करते रहे, जिससे कि वो आपको हेड या बॉडी शॉट नहीं दे पाए और आप उसको आसानी से बीट कर पाए। सो गाइस, अब हम अपने नेक्स्ट टिप्स की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट टिप्स यह है, अगर आप लोगों को क्लोज रेंज में एनिमी दिखाई दे तो आप ट्राई कीजिए पहले कि एक कवर ले और उसके बाद उसको पिक करके मारे, क्योंकि पिक करने का फ़ायदा यह है कि एनिमी जो है वो आपको आसानी से डैमेज नहीं दे पाएंगे और आप उसको आसानी से बीट कर पाएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि पबजी ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीपीपी में ही खेलते हैं, तो टीपीपी में जब आप एक कवर लेंगे और उसके बाद उसको पिक करके मारेंगे तो एनिमी जो है वो आपको नहीं देख पाएगी, लेकिन आप उसको आसानी से देख सकते हैं। जब आप उसको आसानी से देख भी पाएंगे तो आपको उसको आसानी से बीट भी कर पाएंगे। सो ट्राई कीजिए कि आप लोगों को अगर क्लोज रेंज में एनिमी दिखाई दे तो आप एक कवर ले उसके बाद उसको पिक करके मारें, ताकि आप उसको आसानी से बीट कर पाए। सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। आज का जो टिप्स है वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो पबजी में नया नया है। सो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी टिप्स दी जाए। तो अगर आप लोगों को ये टिप्स थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद उसके साइड का जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों को इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।